अच्छा तो भैया ये क्या डाल रहे हो आप अभी? ये मैंगो प्रोसेस। ओके फ्रेश। तो ये आपका अपना प्रिपेयर करते हैं आप ये कि कहीं से खरीदते हैं? नहीं सर, ये कंपनी से आता है। ओके, दिस इज आवर लुक्स। सी क्रीम आता है, क्या बोलते हैं इसको? ये सब बेसिक क्रीम बोलते हैं। बेसिक क्रीम? हाँ, कंपनी से। तो ये क्या होता है, इसमें क्या किससे बनता है? ये जैसे कि वैनिला का आइसक्रीम रहता है, सिर्फ इसमें वैनिला नहीं रहता है, ये बेस रहता है, वैनिला जैसा बेस रहता है। अच्छा, वैनिला एसेंस नहीं रहता उसका? हाँ, बेस। वैनिला एसेंस नहीं रहता पर उसका बेस रहता है। बेस रहता है। ओके, सो मतलब एग्जैक्टली लाइक वैनिला आइसक्रीम बट विदाउट वैनिला एसेंस। हाँ हाँ, सो दिस इज गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंगो का बेस गया पल्प, एंड देन दिस क्रीम लाइक टेक्सचर। अब इसको मिक्स करेंगे। गाइस दिस इज रेडी नाउ। टेक्सचर थोड़ा सा थिक रहने वाला है। और इसको आप स्पून से ही खा सकते हो। सो इसका नाम है मैंगो मस्तानी और ये ऐसे ही रहता है जैसे थिक टेक्सचर आप देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा क्रीमी और इन्जॉयबल एक्सपीरियंस आपका रहेगा, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। अभी इसमें इसकी ड्रेसिंग होगी। ये मैंगो आइसक्रीम है, इसमें इसके ऊपर मैंगो आइसक्रीम डाल। तो ये एक स्कूप? हाँ, एक स्कूप जाता है। ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स, लुक्स रियली टेम्प्टिंग। ओके, टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी, ये ड्राई फ्रूट जाते हैं सर इसके ऊपर। ओके, बादाम काजू अंजीर का मिक्सचर है ये, क्रश करके आपने पहले से रखा होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। दिस इज हाउ इट लुक्स एज यू कैन सी, दिस इज आवर फाइनल मैंगो मस्तानी शेक। दिस इज हाउ इट लुक्स। ये ऊपर दिस इज मैंगो आइसक्रीम और ये नीचे जो आप देख सकते हैं थिक टेक्सचर, दिस इज मेड ऑफ मैंगो पल्प एंड आइसक्रीम जिसमें वनीला एसेंस नहीं है, बट इट इज़ एग्जैक्टली लाइक वनीला आइसक्रीम, द टेक्सचर इज एग्जैक्टली लाइक दैट। लेट्स ट्राई। रियली डिलीशियस, पूरा अल्फोंसो मैंगो जैसा टेस्ट आ रहा है। यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। यहाँ का फ़ोन नंबर, यहाँ का एड्रेस आपके साथ डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर करूँगा। सो दिस इज़ हाउ मैंगो मस्तानी लुक्स लाइक। ज़रूर ट्राई करना, बियॉन्ड टेम्पटेशन। नाउ लेट्स गो टू अ सेकेंड ड्रिंक विच इज़ द कोल्ड कॉफ़ी किट कैट शेक। सो लेट्स कवर दैट। और गाइस जो बढ़ते हैं सेकेंड ड्रिंक की तरफ। ओके, सो ये कोल्ड कॉफी का बेस है जो पहले से प्रिपेयर होके कंपनी से बन के आया है सर। ओके, सो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, दिस इज कोल्ड कॉफी किट कैट शेक। शेक हमारा कोल्ड कॉफ़ी रेडी है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं किट कैट को ऑलरेडी क्रश कर दिया गया है शेक में डालने के लिए।
एंड दिस इज आवर ग्लास। ये इसमें क्या गोल्ड कॉफी, अंदर ऑलरेडी चॉकलेट सिरप था। ये किट कैट से गार्निशिंग हो चुकी है इसकी। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज आवर कोल्ड कॉफी किट कैट शेक। जैसे आप देख सकते हैं, दीज आर दी किट कैट क्रंच। लेट्स ट्राई दिस। काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है गाइस। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। ये हमारा मस्तानी मैंगो एंड दिस इज़ आर किट कैट शेक, कोल्ड कॉफ़ी शेक। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर करना आपको वीडियो कैसे लगी, और ज़रूर विज़िट करना बियॉन्ड टेम्पटेशन। इट इज़ रियली रिफ्रेशिंग इन दिस समर, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। सो दीज आर दी टू समर ड्रिंक्स विच आई विल रिकमेंड टू यू गाइज। अगर आप गोवा सिटी टू आएँ तो ज़रूर बियॉन्ड टेम्पटेशन आएँ एंड मस्तानी मैंगो ड्रिंक और कोल्ड कॉफ़ी किट कैट शेक ज़रूर ट्राई करें। सो चलिए गाइज, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप को वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।